हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा और आज हम सीखने वाले हैं अरबी में बोलना, कहना, उसने कहा, क्या कहा, क्यों बोला, क्या बोला, ऐसे ही मतलब कई तरीके से है। जैसे कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, और कुछ कहो, तुम कुछ ना बोलो, तुम तो चुप ही रहो, इसी तरीके से काफ़ी सारे अल्फाज हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखना भी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बोलने का जो है तरीका होता है कई तरीके से, बोलो कहो, मतलब तकल्लम या तकूल या फिर तकाल, कई तरीके से बोलते हैं, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम बोलो। बहुत जगह पर होता है ना, लोग ज़्यादा बक 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 करते हैं, पसंद नहीं आता है, तो आप बोलते हैं यार थोड़ा कम बोलो, इतना ज़्यादा मत बोलो, थोड़ा कम बोलो। तो उसको अरबी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे अरबी में, तकल्लम कलील। कलील का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, तकल्लम कलील, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, तकल्लम शोया, तकल्लम शोया, तकल्लम शोया, थोड़ा कम बोलो, या फिर तकल्लम कलील, थोड़ा कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलना भी लोग पसंद नहीं करते हैं ना। तो तकल्लम शोया या फिर तकल्लम कलील, थोड़ा कम बोलो। उसके बाद में तुम कुछ मत बोलो, तुम तो कुछ बोलो ही मत, है ना, बोलते हैं ना तुम तो कुछ बोलो ही मत या फिर तुम कुछ मत बोलो। तो इसको कैसे बोलेंगे अरबी में, तुम कुछ मत बोलो या फिर तुम कुछ बोलो ही मत, इसको अरबी में बोलेंगे इंतला तकूल ऐशे, इंतला तकूल ऐशे। इसमें बोलते हैं काफ से, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जब बोलते हैं तकूल बोलते हैं, गा से आ जाए समझ में आता है, इंतला तकूल ऐशे, इंतला तकूल ऐशे, ठीक है, इंतला तकूल ऐशे, तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो, इंतला तकूल ऐशे, ठीक है, तुम कुछ मत बोलो, इंतला तकूल ऐशे, आवाज कम करो, वीडियो की नहीं आप सुनते रहिए, आवाज कम करो। कैसे बोलेंगे आवाज कम करो, होता है ना कि रूम में कोई मतलब बहुत ज्यादा बात करता है, आपने सुना होगा मिस्री लोग जो होते हैं वो बहुत बात करते हैं, इसे लगता है कि फाइटिंग कर रहे हैं। किसी को भी मिस्री नहीं, कोई भी जो अरबी बात करने वाला है और आप हिंदी हो, आपको नहीं मालूम है कि मैं कैसे बोलूं, आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो या ज़्यादा मत बोलो, है ना, आवाज़ कम करो। अगर आपको बोलना है तो बोलोगे अखफत, अखफत सौत, अखफत सौत, ठीक है, या फिर गफल भी बोल सकते हैं, गफल सौत, या फिर कलम शो, कई तरीके से होता है, लेकिन जो मेन अरबी मैंने लिखा है अखफत सौत, सौत का मतलब होता है साउंड, और अखफत जो है अखफत मतलब कम करो या फिर बंद करो, है ना, अखफत का मतलब होता है कम करो या बंद करो, साउथ का मतलब होता है आवाज साउंड, ठीक है। उसके बाद में तुम ना बोलो, तुम ना बोलो, मुझे बोलते रहते हो ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो, तुम ना बोलो, तुम ना बोलो। तो अरबी में बोलेंगे इन तला तकल्लम, इन तला तकल्लम, इन त ला ततकल्लम, तुम ना बोलो, इंत ला ततकल्लम, ठीक है, इंत ला ततकल्लम, मीम में वो लगा हुआ है मा में, ला ततकल्लम वो भी बोलेंगे, इंत ला ततकल्लम, तुम ना बोलो या फिर कुछ बोलो। होता है ना जैसे कोई, कैसे समझाएं आपको, कोई परेशान होता है या कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बताओ, आपको वीडियो कैसी लगी, चलो ये एग्जांपल दे देता हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दिया करो ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो कुछ बोलो, कुछ बोलो, बोलेंगे तकल्लम, तकल्लम कलीला, तकल्लम कलीला, ठीक है, कुछ बोलो, तकल्लम कलीला, तकल्लम मतलब बोलो, तकल्लम का मतलब होगा बोलो, कलीला कुछ थोड़ा, है ना, तो थोड़ा बोलो या कुछ बोलो, कुछ बोलो, तकल्लम कलीला, कलीला का मतलब होगा थोड़ा, ठीक है, कुछ या फिर थोड़ा, तकल्लम कलीला, कुछ बोलो। मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो सारी बात कर ही ली है, अब मैं क्या कहूँ, या फिर ऐसे एग्जांपल के लिए भी बोल सकते हैं, मैं क्या कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ, अना ऐश अकुल, अना ऐश अकुल,
मैं क्या बोलूँ अनायश, अगुल अकुल या अकुल, लिखा जाएगा काफ से ही लेकिन बोलते हैं गाप से, ठीक है ये बात आप लोग समझ लीजिए। अना का मतलब मैं, ऐश का मतलब क्या, अगुल का मतलब बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ या फिर मैं क्या बोलूँ, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं क्या कहूँ, अना ऐश अगुल, अना ऐश अगुल, मैं क्या कहूँ और कुछ ना कहो, जो कहना था कह दिए, जो बोलना था बोल दिए और कुछ ना कहो। ये ऐसे सारे जुमले हैं कि मतलब आप इस तरीके से बोलते भी हैं, समझते भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचे हैं छोड़ो ये तो वही घुमा फिरा के बता रहे हैं। घुमा फिरा के आप बात करते हो, लोगों को सुनते हो, देखते हो कि लोग कैसे बोलते हैं ना, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। और कुछ ना कहो, और कुछ ना कहो, अरबी में बोलेंगे ला तकूल शैअन आखर, ला तकूल शैअन आखर। ला का मतलब नहीं, तकूल का मतलब बोलना, और शयन मतलब कुछ, शयन का मतलब होगा कुछ, और कहो या फिर आखिर, आखिर का मतलब होता है लास्ट, ठीक है अब आगे कुछ मत बोलो, आखिर का मतलब हो जाएगा लास्ट, तो इसीलिए आखिर है यहाँ पर। ला तकूल शयन आखिर, ला तकूल शयन आखिर, और कुछ ना कहो या तुम कुछ ना बोलो, तुम कुछ ना बोलो। जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है, आपका कोई दोस्त होता है, किसी से अगर लफड़ा हो रहा है तो बीच में अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसको बोलोगे तो तुम कुछ ना बोलो, या फिर कोई और ऐसा दोस्त है आपका अरबी है जिससे आप कहना चाहते हो कि तुम कुछ ना बोलो, तो उसको भी अरबी में आप बोल सकते हो इंतला तकुल शैअन, इंतला तकुल शैअन, तुम कुछ ना बोलो, इंतला तकुल शैअन, तुम कुछ ना बोलो, ठीक है इंता ला तकुल शैअन, तुम कुछ ना बोलो, ठीक ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। अब इसको आप दो तरीके से बोल लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको कोई समझा रहे उस वक्त आप बोल रहे हैं कि ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, तो उसमें भी आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, ला अतकल्लम, ला अतकल्लम, ठीक है ला अतकल्लम, ठीक है मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, ला अतकल्लम। और इसको आप दूसरी तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मतलब किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी से उसको वो जुमला में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं नहीं बोलता हूँ सामने वाले के बारे में, अगर बात करना है कि मैं उससे नहीं बोलता हूँ, ये भी इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ला अतकल्लम, मैं नहीं बोलता हूँ, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, उनसे का मतलब हो जाएगा जैसे दो चार लोग या कई लोग, या मतलब उस रूम में काफी लोग हैं जिससे आपका कोई बात नहीं हो रहा है, तो आप किसी से बता रहे हो अरबी से कि मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, तो बोलेंगे ला अतकल्लम माहुम, ला अतकल्लम माहुम, माहुम ठीक है, मा मतलब उनसे, हुम जब लगा देंगे तो कई लोग जमा हो जाएंगे, ठीक है ला का मतलब नहीं, अतकल्लमु बोलता हूँ, और माहुम उनसे, ठीक है उनसे मतलब मैं नहीं, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, ला अतकल्लम माहुम, माहुम ला अतकल्लम माहुम, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझसे बात करो, अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है और आप उससे बोलते हो कि भाई मुझसे बात करो, मुझसे बोलो, मुझसे कुछ कहो या मुझसे बात करो, तो अरबी में बोलेंगे तकल्लमी, ठीक है तकल्लमी माई, तकल्लमी माई, माई ई आएगा लास्ट में, ला मतलब ला बोलेंगे तो नहीं हो जाएगा, मुझसे बात करो, तकल्लमी तकल्लमी माई, ठीक है तकल्लमी माई, मुझसे बात करो, मुझसे मतलब जो तकल्लमी हो जाएगा ना, तकल्लमी ये हो जाएगा मुझसे। अब इसमें दो अल्फाज आ जाएंगे, तकल्लमी में मतलब मुझसे बात, करो का मतलब हो जाएगा माई, ये तीनों अल्फाज आप समझे साथ में, मुझसे बात करो तकल्लमी माई, ठीक है। और उसने कहा था, उसने ये बात कहा था, कौन कहा था, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसने कहा था, मैंने सुना था, उसने कहा था, ठीक है उसने कहा था, अगर आप बोलते हो किसी को बताते हो उसने कहा था, तो बोलोगे बोलोगे हुआ काल, हुआ गाल, हुआ काल, लिखा हुआ है काल से लेकिन बोलते हैं गाल से, हुआ हुआ गोल, गोल भी बोल सकते हैं, हुआ गोल ठीक है, हुआ गोल, हुआ गोल, मैं ये बता रहा हूँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से भी बोल सकते हैं, हुआ का मतलब वो और गोल का मतलब होता है कहा था या बोला था उसने, ठीक है तो उसने कहा था, हुआ गाल या फिर हुआ गोल।
हुआ गोल। और उसने मुझसे बताया था, क्या बताया था वो आप जानते हो, लेकिन इस वीडियो को देखो और ये अल्फाज सीखो। उसने मुझसे बताया था, हुआ कॉल ली, ली का मतलब भी हो जाएगा मुझसे, ठीक है। काला का मतलब गाला, गोल जो बोलते हैं वो कई तरीके से बोलते हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ घुमा फिरा के कि आपको समझ में आ जाए ये बात, है ना। तो हुआ हुआ का लली, उसने मुझसे कहा था, उसने मुझसे कहा था या बताया था, उसने मुझसे बताया था या बताया, तो यही बोलेंगे हुआ का लली, हुआ का लली, या फिर हुआ गा लली, हुआ गल्ली, इस ऐसे भी बोल देते, हुआ गल्ली, उसने कहा था, मैंने नहीं कहा था, हुआ गल्ली, उसने कहा था, है ना। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, हुआ गल्ली, हुआ गल्ली। अब इसमें अलग ले लेगा, हुआ काल अली, मैं समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, तो प्लीज वीडियो को पूरी देख लिया करो, इसीलिए कम जुमले बताता हूँ कि छोटी वीडियो हो जाए, लेकिन फिर भी समझाने में वीडियो बड़ी हो जाती है। अभी तो लास्ट है, जो वीडियो देखेगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि भाई मैं वीडियो पूरी देखा हूँ। तो उसने मुझसे बताया था, हुआ काल अली, और उसने आपको बताया, ये आप पूछ रहे हो किसी से, उसने आपको बताया, मैंने उससे कुछ कहा था, उसने आपको बताया, या फिर उसने आपको बताया ये बात, मैंने तो नहीं बताया था, उसने आपको बताया, दोनों तरीके समझ लीजिए। उसने आपको बताया, हुआ काल लक, ली का मतलब अपने से हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझसे बताया था, लेकिन अगर आपको आएगा तो लक आ जाएगा, हुआ वो काल बोला बताया, लक मतलब तुमसे, ठीक है। हुआ हुआ काल लक, उसने आपको बताया, उसने आपको बताया, उसने आपको बताया, हुआ काल लक, या फिर हुआ गल लक, हुआ गुल लक, ठीक है। हुआ काल लक, उसने आपको बताया, या फिर उसने पुकारा, ये पुकारा हमारा लास्ट अल्फाज है, उसने आपको पुकारा, हुआ कल्लम, हुआ कल्लम। ये आप देखिए कि उसने पुकारा, मतलब अगर दो तीन लोग साथ में खड़े हो ना, और किसी ने उसको आवाज दिया, ओए, अब वो समझ नहीं पा रहा कि इसमें किसने आवाज दिया, तो आप बताओगे हुआ कल्लम, हुआ कल्लम। इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसने पूरी वीडियो देखा है वो कमेंट करके जरूर बताए कि भाई मैंने पूरी वीडियो देखी है, अच्छी है नहीं अच्छी है, जो भी है वो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी अरबी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।